गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं। आप क्या हो? बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो आप। मेरा नाम डॉक्टर रेखा शर्मा है। आपके अभी आप सीनियर क्लास करके आते हो तो आपको ये नहीं ध्यान होता है कि पेपर कैसे होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर अपने राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसके दो पेपर होते हैं। दो पेपर में से जो आपका प्रथम भाग है उसका नाम है राजनीतिक मूल आधार, और सेकंड पेपर जो है उसका है इंडियन थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। ये आपके दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर में आपको, दोनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। उसमें आपके तीन क्वेश्चन आते हैं 60-60 नंबर के, 60 नंबर के आएंगे, 20-20 नंबर के तीन क्वेश्चन आएंगे, और दो क्वेश्चन जो आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपको दो दो नंबर के होते हैं, वो दो क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के होते हैं। तो आज मैं जो पेपर पढ़ाने जा रही हूँ आज आपको, वो है इंडियन थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक आपको जो सिलेबस बताया जाए तो इसमें आपके सिलेबस में इंडियन थॉट यानी जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, M.N. रॉय इत्यादि इस तरह के थिंकर्स हैं, उनकी अपनी स्टडी करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक में। ये आपका सेकेंड पेपर है और इसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। और आपको इसकी बुक्स वगैरह लेनी है तो जैसे काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन डॉक्टर पुखराज जैन की हैं वो बुक्स हैं, वो आप देख लेना। और आज जब अपन जिक्र कर रहे हैं भारतीय इंडियन थॉट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है मनु। मनु, ठीक है, मनु, मनु सबसे पहला है। मनु के बारे में आप ये कहोगे कि मनु क्या है, कौन था मनु, ठीक है। तो मनु के बारे में अपन संशय में है कि इनका, इनकी जो है वो शताब्दी कब तक, उसका 1300 वर्ष पुराना इसका जो मनु की जो मनु काल बता रहे हैं। मनु नाम का एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि एक भारी प्रलय हुआ, जल प्रलय हुआ, उसमें क्या हुआ कि सारी सृष्टि का क्या हो गया, विनाश हो गया। सारी सृष्टि का विनाश होने के बाद में एक मनु नाम का व्यक्ति शेष बचा जिससे इस सृष्टि की पुनः रचना की गई। तो मनु, जिसकी पत्नी का नाम शत्रुपा है, और मनु के तीन पुत्री तथा दो पुत्र बताए गए हैं। दो पुत्र में से एक पुत्र का नाम भरत था, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत नाम मनु के पुत्र का ही नाम रखा गया है, भारत। तो मनु, एक भारी जल प्रलय होने से मनु नाम का व्यक्ति वो क्या हुआ, बच गया, और मनु ने पुनः सृष्टि की रचना की। मनु ने पुनः समाज का निर्माण, सृष्टि की रचना की, लेकिन इन्होंने रचना तो कर दी, पर इनको ये नहीं पता कि भाई जब व्यक्ति को, इंसान को अपन किसी भी नियम में नहीं बांधेंगे, उनको नियम से मतलब किसी भी कार्य को करना नहीं सिखाएंगे, तो व्यक्ति को व्यक्ति क्या करेगा, मारेगा या अराजकता फैलाएगा व मनमर्जी करेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो इसलिए उन्होंने एक राजा का निर्माण किया। राजा का निर्माण किया, राजा कैसा हो, राजा कैसा हो, राजा जिसके, जिसको किसका, वेदों का ज्ञान हो, ठीक है। और राजा, राजा को वेदों का ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का उस राजा में कपट छल किसी भी तरह की उसके अंदर आप कोई उसके ऊपर कोई कुछ भी मतलब कोई चोरी है, डकैती है, किसी तरह का कोई भी उसके ऊपर वो उसके कोई कुछ चलावा नहीं हो, उसका नियम मतलब जो होगा। और उन्होंने क्या है कि विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें कार्य को बांटा। तो वो राजा किस श्रेणी का होगा, किस वर्ण का होगा, वो होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण जिसको वेदों का ज्ञान हो, ठीक है। अब उन्होंने राजा का निर्माण किया, तो उन्होंने राजा का निर्माण किया तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं राजा का निर्माण नहीं करूँगा तो फिर मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन ये आपस में व्यक्ति की जो प्रेम भाव है, आपस में नियम से चलना है, ये कार्य किस तरह से करेंगे। तो राजा को ये कार्य सौंप दिया गया, राजा को ये कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का
किस भेदभाव नहीं करोगे किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो कितना भी अपना कोई अजीज व्यक्ति क्यों नहीं हो। इसलिए ऐसा राजा बताया गया है कि जिसमें निस्वार्थ की भावना हो। ऐसा नहीं हो कि मेरा जो क्लोज है, मेरा जो ब्लड रिलेशन का व्यक्ति है, उससे मैं कोई भी यदि किसी भी प्रकार की कोई गलतियां करता है तो उसको मैं माफ कर दूं। ऐसा नहीं, राजा निस्वार्थ होगा, उसके लिए सारी प्रजा, खुद की संतान भी, सारी प्रजा क्या होगी, उनकी संतान मानी जाएगी। वह ऐसा राजा होगा, हर समय राजा क्या होगा, चौकन्ना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास खूब सारी धन दौलत है तो क्या है कि राजा खा पी के आराम से मस्ती से रह रहे हैं, ये नहीं पता है कि प्रजा को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रही। इस तरह का राजा नहीं होना चाहिए। राजा 24 घंटे के लिए एक्टिव होना चाहिए और किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मनु ने फिर एक राजा का निर्माण किया। राजा का निर्माण करने के लिए मनु ने क्या बताया, कैसा हो राजा। राजा का निर्माण तो किया, लेकिन राजा कैसा हो, जिस तरह से सूर्य, सूर्य का जो उदय होना है वो निश्चित है और उसकी रोशनी सभी के पास जाना भी निश्चित बताया गया है, उसी प्रकार से तेजस्वी, सूर्य के समान रोशनी देने वाला तेजस्वी राजा होना चाहिए। यानी प्रकृति के साथ में, प्रकृति के साथ में राजा को बांधते हुए राजा का वर्णन किया है कि जिस तरह से सूर्य की रोशनी सभी, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, कोई भी हो, उसको सबको लाभान्वित करता है अपनी तेज प्रकाश के द्वारा। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर तेज प्रकाश, उस राजा के अंदर तेज प्रकाश हो और सभी व्यक्तियों को उसी तरह से वो रोशनी प्रदान करे। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा जिस तरह से शीतल, चंद्रमा है बिल्कुल जैसे आप पूर्णिमा का जो चांद देखते हो, उसकी जो रोशनी देखते हो, वो रोशनी कितनी सुहावनी रोशनी होती है, उस रोशनी को देख के ऐसे लगता है कि बिल्कुल आनंद आ रहा है। तो उसी तरह से ही प्रजा के लिए राजा होना चाहिए। जिस तरह से पूर्णिमा का जो चांद रोशनी देता है, उसको देख करके हर व्यक्ति को बहुत अच्छा से फील होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का वर्णन करते हुए राजा को बताया गया है कि ऐसा शीतलता, ऐसी चंद्रमा के समान राजा में शीतलता होनी चाहिए। अब अगला पानी, प्रकृति के साथ जुड़ा है पानी। पानी, पानी का बहाव जैसे जाएगा वो उधर ही जाता है, चाहे आप उस पानी के बहाव के आगे कितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना दो, जिस दिन यदि पानी का बहाव, जिस दिन नदी नले बहेंगे तो वो अपना बहाव कभी नहीं छोड़ता है, वो उस रास्ते से होकर के जरूर ही गुजरेगा। तो उसी तरह से ठहराव, पानी का ठहराव अपनी निश्चित जगह पे जाके ही ठहरता, उसी प्रकार से राजा का भी क्या है कि ठहराव ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक प्रजा को वो निश्चित रूप से देखे या उनके कार्य को, उनकी समस्याओं को समाधान करे। तो ये जो राजा के कुछ प्रकृति के साथ में जोड़ते हुए कुछ उनके नियम बताए हैं मनु ने कि इस तरह का जो राजा होगा, इस तरह की जो उस राजा में धैर्यता होगी वही राजा होगा। ऐसा नहीं मद्यपान करके या जैसे भी, मतलब अपना भाई पैसा है, राजा है वो, तो राजा के पास प्रजा का जो कर है और है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो वो तो आराम से अपने महल में आराम कर रहा है और प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखे। नहीं, राजा को प्रकृति के साथ में जोड़ते हुए, और राजा योग्य हो, उसमें योग्यता हो, सभी शास्त्रों का उसमें ज्ञान हो, सूर्य चंद्रमा पानी अर्थात इस तरह का उनमें प्रकृति के समान उसमें समावेश हो, वही व्यक्ति क्या होगा, राजा के लायक होगा। तो मनु ने इस तरह से पुनः सृष्टि का निर्माण करते हुए राजा का भी निर्माण किया कि राजा जब होगा तभी जन कल्याण होगा, तभी राजा कानून विधि का निर्माण ये करेंगे कि भाई ये व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको कानून के हवाले कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति क्या है, किसी भी मतलब कार्य को करने से पहले भय, उसमें भय उत्पन्न हो जाएगा कि यदि मुझे ये कार्य मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे दंडित किया जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर एक कानून का, एक कानून का भी उन्होंने भय उत्पन्न किया, दंड, दंड की व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कार्य को गलत करता है, चाहे वो राजा का खास व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे राजा का कोई ब्लड से रिलेशन का व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन यदि उसने कोई गलती की है तो उसको भी क्या होगा, वैसा ही आम जनता को जो दंड दिया जाएगा वो दंड उसको अवश्य
दिया जाएगा। तो इस तरह ऐसे अपना जो ये है पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक है, उसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मनु का विवरण करेंगे। आज अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया है, कल अपन इसके आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपन नियम के अनुसार पढ़ेंगे।